हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोना फ्रॉम सर्वस्टार चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मॉनसून स्पेशल आलू टिक्किया चाट की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आता है ये और बहुत कम समय में आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं। तो चलिए अब हम जल्दी से आलू टिक्किया चाट की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आलू टिक्किया चाट बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम उबले और छिले हुए आलू, 1 कप छोले की सब्ज़ी, जो नॉर्मल हम घरों में छोले की सब्ज़ी बनाते हैं वही सब्ज़ी है ये, 1 कप फ्रेश दही, इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड की हुई है, थोड़ी गार्निशिंग के लिए बारीक सेव, इमली की मीठी चटनी 4 टीस्पून, अरारोट का आटा 30 ग्राम। ये अरारोट के आटे की जगह आप यहाँ पर कॉर्नफ्लोर या फिर मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अरारोट से हमारी टिक्कियाँ बहुत क्रिस्पी बनेगी। 2 टीस्पून हरी चटनी, ये जो हम लोग ग्रीन चटनी घर में बनाते हैं वही वाली चटनी है ये। काला नमक 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, पीसा और भुना हुआ जीरा 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ी बारीक कटी हुई प्याज। और अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है, इसमें ये हम हमारे आलू ऐड कर लेंगे उबले हुए, इन्हें हमें बहुत ही अच्छी तरह से मैश करना है। एक बार इसे क्रश कर लेने के बाद हम इसमें जो अरारोट पाउडर लिया है हमने 30 ग्राम, ये ऐड कर देंगे और अब इन दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए और ये अरारोट का आटा अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। और अब इस तरह से अच्छे से मैश कर लेने के बाद अब हम इसकी टिक्किया बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए इस घी में से थोड़ा सा घी हम हमारे हाथों पे लगा लेंगे और हम जो रोटी बनाते हैं आटा लेते हैं लोई का, उसके बराबर हम उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह से ये हमारा मिक्सचर ले लेंगे। इस तरह से इसे गोल करेंगे और इसे अब हम थोड़ा मोटा सा यूँ टिक्किया का शेप दे देंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से। और अब हम इसी तरह से बाकी की भी टिक्किया बनाकर तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से मैंने टिक्किया इसमें से बनाकर रेडी कर ली है। और अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक पैन ले लिया है, इसकी जगह आप तवे का यूज़ भी कर सकते हैं। गैस का फ्लेम मैं ऑन कर लूँगी, 1 से 2 सेकंड के लिए पैन को गर्म होने देंगे और पैन गर्म हो जाने के बाद इसमें हम घी ऐड करेंगे 1 टीस्पून के करीब। और अब 1 मिनट बाद ये जो हमारी बनाई हुई टिक्किया है इसमें हम धीरे धीरे करके आसानी से जितनी टिक्किया इसमें आ जाए उतनी हम इसमें ऐड कर देंगे। एक बार घी सभी तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे एक बार फिर से। और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छी तरह से हम क्रिस्पी होने तक दोनों साइड से सेकेंगे। तो इसका एक साइड सिकने में लगभग हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। तो 3 से 4 मिनट बाद एक बार हम इसे चेक कर लेंगे, ये देखिए गोल्डन ब्राउन होनी ये शुरू हो गई है। और अब हम इस साइड से भी इसे इसी तरह से क्रिस्पी होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे, फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। और अब 3 से 4 मिनट बाद हम इसे इस तरफ से भी टर्न कर देंगे, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है हमारी सभी टिक्किया। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इन्हें एक हम किचन टॉयल पे निकाल लेंगे इस तरह से, देखिए बहुत ही अच्छी तरह से सिकी है ये। इसके बाद हम टिक्किया को सर्व करने के लिए इसकी टिक्किया चाट बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 प्लेट्स ले ली हैं और अब ये जो हमारी सिकी हुई टिक्किया है ये देखिए बहुत ही अच्छी क्रिस्पी हुई है ये, इसमें हम एक एक टिक्किया रख देंगे इस तरह से। और अब इसके बाद इसमें सबसे पहले हम छोले की सब्ज़ी ऐड करेंगे, अब इसमें हम दही ऐड करेंगे, इसके बाद अब इसमें ये जो हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी ली है ये अपने टेस्ट के अनुसार आप ऐड कर दें। इसके बाद इसमें हम ये जो ग्रीन चटनी है ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर दें, जितना तीखा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप डालें इसमें चटनी।
इसमें थोड़ा सा काला नमक, चाट मसाले की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर दें, इससे टेस्ट और अच्छा आता है। भुना हुआ ज़ीरा, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, सफ़ेद नमक भी अपने टेस्ट के अनुसार ही डालें आप, बारीक कटी हुई प्याज, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, बारीक सेव, इस तरह से सभी तरफ इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर दें। और अब सबसे लास्ट में इसे हम ग्रीन हरे धनिया से, बारीक कटे हुए धनिया पत्ती से हम इसे गार्निश कर देंगे। तो ये हमारी आलू टिक्किया बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।